गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, 4 बजे हैं। तो आज मैं व्लॉग थोड़ा दोपहर को शुरू कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने आज हाफ डे लिया था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और कल है करवा चौथ, तो हम बस अब निकल रहे हैं। प्रेरणा भी ऑफिस से आ चुकी है, मेरा भी अपना काम निपटा लिया, तो हम लोग निकल रहे हैं बस अब प्रेरणा को मेहंदी लगवाने के लिए। मम्मी के पास चलते हैं, मम्मी को भी मेहंदी लगवानी है और फिर से अच्छे से इंजॉय करेंगे, खाएंगे पियेंगे, मौज करेंगे और इस व्लॉग की भी शुरुआत करते हैं। माइक लगा ले। और ये देखो, ये हमने लास्ट टाइम माइक लिया था, मैंने आपको दिखाया था, बट उसमें कुछ कनेक्टर नहीं आया था, तो फाइनली हमारा माइक आ चुका है और आज इसको भी टेस्ट करने का टाइम आ गया है। मैंने ग्रेनारो का लिया है S13 Pro, फीडबैक काफ़ी अच्छा था, रिव्यू काफ़ी अच्छा था, तो अब चलते हैं इसको भी आज टेस्ट करके देखेंगे और करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। फोटो कितने कितने मेहंदी लगाएगा? पूरे पूरे हाथ, शक्ल पे भी लगवा लियो फिर, ठीक है? अभी तेरा नंबर आ जाएगा, नेक्स्ट आपका ही है, फिर मम्मी को भी लेकर आता हूँ। क्या नाम है? आसिफ है ना, इधर अंदर। तो ये आप तो छोटा हाथ लगवा रहे थे हैं? जब यहाँ पे पहुंची हूँ, गुनगुन सामने है, तो फिर कैसे लगा सकती हूँ? सही है। वो प्रेरणा तो गई है मेहंदी लगवाने के लिए और मैं, मेरे को लग रही थी बहुत तेज भूख, तो मैं चलता हूँ कुछ बनाने के लिए, खाने के लिए। पापा भी अभी आएंगे तो उनके साथ बैठ के कॉफ़ी पियेंगे और फिर जाएंगे प्रेरणा को लेने के लिए बाहर और दिखाएंगे कि आपको उसकी मेहंदी कैसी लगी है। तो चलो कुछ बनाते हैं और खाते हैं। ये बन रहा है इसमें फ्राइज, लेट्स सी कहाँ तक पहुँचा इनका स्टेटस। ब्लॉग स्टार्ट हो चुके हैं मैंने। हाँ, ब्लॉग कब का स्टार्ट हो चुका है? ये आपकी आधी मेहंदी लग गई है ना? मेरी आधी लग गई है, पीछे का ये भी सूख जाएगा, उसके बाद फिर पीछे का लगेगा। मम्मा नुपुर लगेंगे, मौज है। सुबह के 4:30 बज गए हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह सुबह उठे हैं हम लोग, प्रेरणा सर्गी करेगी, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ उसकी मेहंदी भी, कि कैसा उसकी मेहंदी में कलर आया है, और सर्गी भी दिखाता हूँ। तो कहाँ गया गोलू? ये रहा गोलू, मेहंदी दिखा दे। अभी इतना ही हुआ है, अभी इतने डार्क हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ ना। कोई नहीं, तो टोटो आपके लिए आज का चैलेंज है। पहले तो हैप्पी करवा चौथ एवरीवन, और चैलेंज यार मेरे लिए बस, वैसे मैं रख लेती हूँ फास्ट, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस बार ये है कि तबीयत ख़राब थी, मुझे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और मैं पानी नहीं पी सकती। हेलो हेलो, हैप्पी कर, अभी वहीं बैठ ही रही थी, मैंने अभी तभी कॉल की। हाँ जी, कर ली थी। तो स्पेशली मैंने आपके लिए ऑफ़र निकाला है कि आपको शाम को 8 बजे तक जो भी खाना हो, कोई भी रेस्टोरेंट का, किसी भी होटल का, आपके लिए सब, जहाँ जाने का मन है वहाँ पर खा सकते हो आप। मैं समझ रही हूँ, ये पापा वाला ऑफर आप मुझे दे रहे हो। हाँ, पापा भी मम्मा को ऐसे ही ऑफर देते हैं। आज आपके लिए रात को 8 बजे तक ऑफर ही ऑफर है, ठीक है? तो अब ये यहाँ पर सरकी चल रही है, जो जला चुके हैं, पूजा हो गई है, और मैं इतना भी नहीं खाऊंगी, मुझे पता। और है। ये है, दिखा देते ना, ये मीठी मट्टी है। हाँ, इसके नीचे सादी मट्टी है, और ये फेनी है।
फीनी है में फर्क होता है, फर्क होता है हाँ। और दूसरी चीज की मम्मा ने बोला था पराठे भी खा लेना और फ्रूट ये सब, लेकिन मुझसे इतना मॉर्निंग में कुछ खाया जाता नहीं है, मुझे पता है कि मैं ये भी नहीं खत्म करूंगी तो। और लेकिन खाना थोड़ा कंपलसरी होता है कि थोड़ा सा तो सरगी करनी करनी है, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी लेके बैठी हुई खा, मोस्टली मैं पानी पीऊंगी अच्छे से। भाई अब खा के आराम से फिर हम दोनों सोते हैं, फिर ऑफिस का काम करना है और आगे दिन का फिर आपको अपडेट देंगे। हमारे अगले दिन की शुरुआत हो गई है और इनका मेकअप भी शुरू हो गया है। ये देखिए जी सारा सामान इन लोगों ने कैसे फैला रखा है, पूरा फुल सेटअप। अब हम आपको दिखाएंगे इस लड़की को रेडी हो के। यस टोटो, फिर बनाएंगे बहुत सारी रील। तो गाइस हम लोग हो गए हैं तैयार और ये देखो कोई तो सोना सोना तैयार हो गया है ना, और इन्होंने कुछ एक दो रील्स भी शूट करी है, वो मैं इंस्टाग्राम पर चैनल मेंशन कर दूंगा अभी यहाँ पर स्क्रीन पे, तो आप वहाँ पर जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और अब चलते हैं मम्मी के पास, पूजा का भी टाइम हो रहा है और पूजा वूजा करते हैं। और मुझे यहाँ पर पूजा के लिए सब सेट हो गया है, आंटी जी आ गई हैं और बाकी कुछ लोग भी आएंगे, फिर पूजा स्टार्ट करते हैं। चूड़ी अपने मायके में करवा चौथ का व्रत रखने के लिए आए, तो भाइयों की लाडली थी, भाइयों को तरह तरह तक के आए, हमारी बहन जो है इतनी भूखी कैसे रहेगी क्या करेगी, तो उन्होंने आपस में सलाह करी, सलाह करके बोला कि हम ना झूठी मूठी का चांद बनाते हैं। और वीरो कुड़ी करवड़ाल सर्व सुहागन करवड़ाल करवड़ा टवटाया जयवंदा झोली पाया कत्ती ना अटेरी ना घूम चरखड़ा फेर भी रक्षा करना सबके संकट आरो किसी पे भी दुख ना आए, ये प्रभु क्षमा करो क्षमा करो। क्यों नहीं देंगे, भगवान जी देंगे, भाग्य में लिखी तो बेटा जरूर मिलेगी, दे हो जाए परमात्मा आपको लड़की दे। हाँ माता रानी हमारे घर में भी कन्या दो बस, हमारे घर बहुत सारी कन्या सुबह से थक हार के बिचारे एक यहाँ पड़ी हैं एक वहाँ पड़ी हैं, पिताश्री अब तक आए नहीं हैं। चांद कल तक तो बहुत अच्छा खिल रहा था, आज नहीं आया अब तक है ना, कल तो लोग सब फोटो डाल रहे थे, आज चांद अंकल भाव खाएंगे रात को लेट आएंगे। सबसे कपड़े भी मार लिए, सब कर लिया, अब क्या करूं अब क्या करूं। अली चांद आ गया है बट आई थिंक ऐसे आपको दिखेगा नहीं, अब दिखेगा, वैसे क्लियरली इतना विजिबल हो नहीं रहा है आंखों से बट हाँ फ़ोन से जूम करने पर दिख रहा है, और ये कुछ नई बिल्डिंग बन गई है तो इसकी वजह से थोड़ा और दिक्कत है, काफ़ी लोगों को दिख नहीं रहा, और यहाँ लोग सब छत पर आ चुके हैं पूजा वूजा कर। ढूँढो चांद का है, ढूंढो आशीर्वाद। पानी पिला दे, पड़ा है ना उधर मुंह करो, हाँ ये पाइप पड़ा है ना, पाइप दे ना सीधे पाइप से। और भी ना सारे दिन का फिर आप खिलाओ उसको।
दिन की भूख और प्यासा रहने के बाद अब यहाँ ट्रीट चल रही है, सबकी नहीं चल रही, तेरा तो फास्ट है। तो इसके कान खाली हो चुके हैं, धीरे धीरे अब इसका सामान सब उतरना शुरू हो रहा है थकावट के मारे। चलो दो क्या क्या गोली बोलेगी, कज्जा कज्जा क्या रुक जा यार, भुलवा दिया तूने, वो सुनी दो ना, रज्जा कज्जा देवी रज्जा कज्जा लमी, एक बार बताओ कौन सा वाली सेंटेंस बोलना है, पहले वाला अब वाला, दोनों बोलने हैं तुझे दर्द में कब उठ कर रज्जा कज्जा, हां अपने पल्लू में ढको उनको नीचे उसको ऐसे यार मम्मा कंफ्यूज कर रहे हो, ये थोड़ी ले लो ना दूसरी सर पे बैठ जा लो, इतनी इतनी वो भी नहीं है, अब बोलो, हां बोलो आपकी पूनी, बोलो आपकी पूनी आपके पास, मेरा सुहाग मेरे पास, रज्जा कज्जा लमी रज्जा कज्जा देनी सदा सुहागिन पर, ये रज्जा कज्जा होता है ढक्का ढक्का ढुक्का। अच्छा प्यारा नजारा है और अब देखो चांद एकदम प्रॉपरली विजिबल है, भाई साहब कितना सुंदर लग रहा है, मस्त खाली रोड, अरे टू टू विद मी, अंधेरा हो गया क्योंकि मैं अब ठीक है, अब आ रहे हो, अब अंधेरा तो नहीं आ रहा, हाँ अब आ रहे हो, यस मुझे कुछ बोलना नहीं है चलो भाई सीन ये है, आ गए हम लोग घर पे, बस अब कपड़े वपड़े चेंज करते हैं सोते हैं, हो गया फेस्टिवल ख़त्म, त्यौहार गया, अब नेक्स्ट ईयर करेंगे इसका वेट, और बस इस ब्लॉग को भी यही पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, और हम लोगों को बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया, अच्छे से खाया पिया और अब वापस आ गए हैं, तो चलो इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, प्लीज़ लाइक कीजिए कमेंट कीजिए क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, अगर आपको कुछ नहीं भी अच्छा लगा वो भी कमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो आपको अच्छा लगेगा तभी आप कमेंट करेंगे, तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे गुड बाय।